तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ अपने संस्मरण बांट रहे हैं और सीधे आपको बीजेपी दफ्तर हम लेकर चल रहे हैं। वहाँ सईद अंसारी मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जो वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ जो कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं। सईद बोलिए। रोहित, जैसा कि पहले हमने आपसे कहा, यहाँ हम आपको सिर्फ दिखाएं एक अंतिम दर्शन के लिए। सुषमा स्वराज की भीड़ लगी हुई है, लोग हैं ज़बरदस्त, और यही जो आप तस्वीर हम आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, अंदर ही पार्थिव शरीर रखा गया है। लेकिन हम आपको बताएं, अगर यहाँ से घुमा कर दिखाएं तो ये भीड़ इस बात का साफ तौर पर सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सुषमा स्वराज को पसंद करने वाले लोग कौन हैं। सुषमा स्वराज को पसंद करने वाले लोग सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, सुषमा स्वराज के लिए लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, सुषमा स्वराज के लिए लोग सिर्फ विदिशा से नहीं आए हैं, बल्कि सुषमा स्वराज के लिए मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव कस्बों से यहां पर लोग आए हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कब निकले, तो एक व्यक्ति हमें मिला और उन्होंने हमसे ये कहा कि मैं रात को ट्रेन नहीं पकड़ पाया, तो सुबह मैंने पैसे उधार लिए और मैं फ्लाइट से यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व है, ये सुषमा स्वराज का आम लोगों से जुड़ाव है, ये सुषमा स्वराज का न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि देश के लोगों से जुड़ाव है। सुषमा स्वराज, जो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं स्टूडियो में, जो हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने आम इंसान को एक ये विश्वास दिलाया कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार आपके साथ है, विदेश मंत्रालय आपके साथ है। और जिस तरह से वो रिएक्ट करती थी, वही आज यहाँ पे ये जो भीड़ है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, लेकिन वो लाइन में लगी हुई हैं। पता है कि यहाँ पर हो सकता है कि घंटा दो घंटे लग जाएं, हो सकता है कि वो अंतिम दर्शन न कर पाएं, क्योंकि 3 बजे यहाँ से शव यात्रा शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर लोधी रोड के निगम बोध घाट पर शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये भीड़, ये लोगों का हुजूम, ये लोगों का ये जनसैलाब जो है, ये आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि सुषमा स्वराज को किस तरह से लोग पसंद करते हैं। अगर हम कुछ लोगों से यहाँ बात करें, कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली और से दिल्ली से ही हैं। दर्शन हो पाए आपके? हाँ, दर्शन हो पाए। कैसे याद करते हैं आप, क्या यादें हैं सुषमा स्वराज की? सुषमा स्वराज के लिए बहुत सारी यादें हैं जो हम अपने आप को संभाल नहीं पाए और हम आज यहाँ पे आने को मजबूर हो गए। देखिए, एक महिला है यहाँ पर, आइए मैम, क्या कैसे याद करती हैं सुषमा जी को आप? हम तो बहुत ही याद करते, दिल से याद करते हैं, दिल और जान से उसको याद करते कि हमारा यहाँ, मुझे लग रहा है एक घर का जो सदस्य है, जैसे घर का सदस्य छूट जाते, जैसे बहने हो, माँ हो, उसी तरह से हमारी ये, हमारी वो महिलाओं में नहीं आई, ये बहनों में थी, हमारी बड़ी बहन थी ये, तो उस वजह से हमारा कल से 11:30 से हमारी मैसेज आई थी फ़ोन पे, तो हमारी बहन नहीं रही, उसी टाइम से हमारा दिल मन इतना खट्टा हुआ था, कहने की बात नहीं है कि बहुत इतनी अच्छी थी, कहने की बात हर एक इंसान के साथ, कि मैं उनकी, मेरे साथ नहीं, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे महिलाओं को इतना, बहुत पहला कदम उनका था हमारे महिलाओं के साथ। हम समझ पा रहे हैं, आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हैं, और ये सिर्फ एक महिला नहीं है जो इस तरह से रो रही हैं, यहाँ जितने भी लोग हमें नज़र आए हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, हम लाइन में देख रहे हैं, तो बहुत ही मतलब स्नेह भाव से मुझे मिली और प्यार से मुझे मिली, और ये भी आश्वासन दिया कि जया तुम चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं और तुम दुखी मत होना। तो ये बातें मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं, और मुस्कुराते हुए वो चेहरा और उनके जो आंखें और उनके जो मुस्कुराहट, वो सब जो है वो मेरे सामने अभी भी मेरे आँखों के सामने है। वी लॉस्ट ए ग्रेट ऑनेस्ट एंड रिमार्केबल लीडर, ये भारत जनता पार्टी के लिए और देश के लिए, राजनीति के लिए भी, इट इज़ ए ग्रेट। तो सुना आपने तमाम नेता किस तरीके से याद कर रहे हैं, और स्थानीय कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी आंखों में आंसू हैं सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देते हुए। हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक।